स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी का अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में वाजपेयी का निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल गए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को याद करते हुए देश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है और भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। भारत के विकास और आम लोगों के लिए किए गए उनके कार्य सदैव याद रखे जाएंगे। भारत के लिए उनके विचार भावी पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें उम्दा स्पीकर, अजातशत्रु, उदारवादी, लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक, राष्ट्रवादी कवि, कुशल प्रशासक बताया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, कहा कि वो संसद में पक्ष में रहे, विपक्ष में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा कि मूल्य आधारित राजनीति करने वाले प्रिय अटल जी के सिद्धांत, दूरदर्शिता और सांगठनिक क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणादायक। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। ट्वीट कर कहा कि हमें सेना पर पूरा भरोसा, लेकिन मोदी सरकार पर नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, हालांकि एमएस धोनी आईपीएल जरूर खेलते रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा कि आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। उन्होंने कल एक पोस्ट किया था और इसमें यह लिखा था कि शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर समझा जाए। इसके बाद से 39 साल के एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और टी20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को दिन में ही धोनी ने संन्यास की चिट्ठी लिख दी थी। धोनी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं, साथ ही साथ धोनी के नाम कई बड़े कीर्तिमान भी दर्ज है। धोनी के रिटायरमेंट पर देश और दुनिया के कई दिग्गजों ने अपनी भावनाएं जाहिर की। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद इसे एक युग का अंत बताया। वहीं धोनी के रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धोनी के संन्यास लेने के फैसले पर किया ट्वीट, लिखा कि रिटायरमेंट लेने के लिए कैप्टन कूल को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बता दें कि एमएस धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। धोनी ने अब तक 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इसके अलावा 350 एक दिवसीय और 98 टी20 मुकाबलों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अपनी कप्तानी में धोनी ने भारत को क्रिकेट में साल 2011 में फिर से विश्व विजेता भी बनाया था। इसके अलावा 2007 में धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप अपने नाम किया था। महेंद्र सिंह धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रहे सुरेश रैना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आज से फिर शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा, 8 पुजारी और 11 श्राइन बोर्ड कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब एसओपी में किया गया बदलाव। श्राइन बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार पहले हफ्ते में रोजाना केवल 2000 यात्री ही माता के दरबार पर पहुंच पाएंगे।
बोर्ड के फैसले के अनुसार रोजाना यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में जम्मू कश्मीर से 1,900 श्रद्धालु तो दूसरे राज्यों के केवल 100 यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने, 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर फोड़ी आंखें। इतना ही नहीं, दरिंदों ने बच्चे की जुबान भी काट दी, जिसके बाद हैवानों ने बच्चे के गले में फंदा डालकर खेत में घसीटा, फिर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर से सोच के लिए गन्ने के खेतों की तरफ गई थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी, जिसके बाद उसका शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। दुनिया में कुल कोरोना मरीज 2,16,00,000 के पास, 7,68,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, करीब 65,00,000 मरीज इस वक्त इलाज कर। अमेरिका में कोरोना के कुल 55,29,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 1,72,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, 24,56,000 से ज्यादा मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। ब्राजील में कोविड-19 के कुल 33,17,000 से ज्यादा मामले, 1,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 8,00,000 से ज्यादा कोरोना केस इस वक्त एक्टिव। रूस में कोरोना के कुल 9,17,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 15,617 मरीजों की मौत, 1,72,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। देश में एक दिन में 64,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए, एक दिन में 950 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में रिकवर। देश में कुल 25,89,000 कोरोना संक्रमित केस, 50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 7,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज, 19,00,000 के करीब मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए, कुल 5,84,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 19,500 से ज्यादा मरीजों की मौत, करीब 1,50,000 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना के 5,860 नए मामले सामने आए, कुल 3,32,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 5,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 52,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में 46,500 के पास पहुंचे कोरोना के केस, 24 घंटे में 796 नए मामले आए सामने, 10 मरीजों ने गवाई जान, अब तक 39,000 के करीब हो चुके हैं स्वस्थ। वहीं फरीदाबाद में सामने आए कोरोना के 131 नए मामले, जिले में कुल मरीजों की संख्या 10,913, अब तक 152 मरीजों ने गवाई जान। रेवाड़ी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामलों की वजह से जिला प्रशासन सख्त हो चुका है, धारूहेड़ा में नगर पालिका और 8 कॉलोनीज को 14 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 77 नए मामले, जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 10,199। पंचकुला में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 1,167, एक दिन में सामने आए 33 नए मामले, 4 मरीजों ने गवाई जान। भिवानी में कोरोना जमकर मचा रहा कहर, जिले में कुल मरीजों की संख्या 942, अब तक 8 मरीजों की मौत। दिल्ली से सटे सोनीपत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, एक दिन में सामने आए 19 नए मामले, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3,451, अब तक 40 मरीजों ने गवाई जान। अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति है, दूध, डेयरी, सब्जी, फल, मोटर रिपेयर और किसान व्यापारियों को सुबह 7 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति, बाजार और मॉल खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। अंबाला में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 2,500 के पार पहुंच गई है, 55 लोगों को ठीक होने के बाद किया गया डिस्चार्ज। अंबाला में कुल एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 355, 55 नए मामले जो सामने आए उनमें 18 मामले अंबाला सिटी से, 32 केस अंबाला कैंट से। पंचकुला में अब तक 4 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है, 720 मरीज कोरोना से जंग जीत कर घर लौट चुके हैं, अब तक 25,119 लोगों के सैंपल्स की जांच की गई है। रोहतक पीजीआई से खुशखबरी सामने आई है, जहां पर पीजीआई के डॉक्टर्स ने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफल और सेफ रहा, डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि 81 लोगों पर ट्रायल किया गया। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते में फिर से को वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा, दूसरे फेज में लोगों से शामिल होने की अपील की गई।
नूह में कोरोना की बढ़ने लगी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 6 नए मामले। जिले में अब तक 12 मरीजों ने जान गंवाई। राहत की बात तो ये कि एक दिन में 10 मरीज ठीक भी हुए। करनाल में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ सामने आए 40 न्यू पेशेंट्स। मरीजों के ट्रैवल हिस्ट्री में जानने में जुटा प्रशासन। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल खोलने के मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। केंद्र सरकार से जब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आती तब तक स्कूल नहीं खोले जा सकते। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश विस्तारवादियों के सामने डटा हुआ है। पीएम ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत में अपने पैरों पर खड़े होने की परंपरा रही है। पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि एलएसी से एलओसी तक जिसने भी देश की तरफ आंख उठाई उसे हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया। पीएम ने कहा कि लद्दाख में पूरी सेना के सामने हमारे 20 सैनिक क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बखूबी से दुश्मन को करारा जवाब दिया। उन 20 शहीद जवानों को लाल किले के प्राचीर से मेरा नमन। पीएम ने कहा कि आज विस्तारवाद के लिए भारत चुनौती बना। कोरोना के बीच भारत संकल्प शक्ति से डटा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी में भारत ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। पीएम ने कहा कि हमने कृषि को कानूनों के बंधन से मुक्त किया। देश ऊर्जा, कृषि, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इस पर पूरा फोकस। पीएम ने कहा कि हमारे देशवासियों को शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए। शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए काम किया, 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया। पीएम ने कहा कि मध्यम वर्ग को जितना मौका मिला उतना ही अच्छा काम किया। मध्यम वर्ग का पहला सपना अपना घर, जिसके लिए हमने कदम उठाया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा स्थान। 3 दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली, जिसका पूरे देश में स्वागत किया गया। कोरोना संकट के बीच हमने अच्छा काम किया। पीएम ने कहा कि शुरुआत में रोजाना महज 300 टेस्ट होते थे, लेकिन अब देश में 7 लाख टेस्टिंग रोजाना हो रही है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। पीएम ने कहा कि सभी देशवासियों को एक हेल्थ आईडी कार्ड जारी की जाएगी। हेल्थ आईडी से सभी देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। इस हेल्थ आईडी में पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने इस दौरान रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे और उन्होंने यहां पर यह कहा कि पंचकुला को सुंदर बनाने की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूली बच्चे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कोरोना ने आजादी के जश्न पर बंदिशें लगाई, लेकिन फिर भी सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी अपने काम करने में जुटे हुए हैं। सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति से अपनी मर्जी की शिक्षा की आजादी मिली। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को मंजूरी भी दी गई। सीएम ने कहा कि अंबाला में राफेल देश की ताकत का प्रहरी बना है और सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है, इस पर हमें गर्व। सीएम ने कहा कि हरियाणा में कम पानी के फसलों को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन किसानों के लिए पशु क्रेडिट कार्ड लेकर आए। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम स्थल पर पौधारोपण किया। मनसा देवी प्रांगण में गुरुकुल का शिलान्यास किया। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला करने के लिए राज्यपाल ने सरकार को बधाई दी। मार्च पास्ट की सलामी के बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त जैसे लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई, वैसे ही एकजुटता कोरोना महामारी से लड़ने में भी दिखा रहे हैं। भिवानी पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वतंत्रता दिवस पर गिगनाओं में त्रिवेणी लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। कहा कि आजादी का मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक सहित हर क्षेत्र में बराबरी के मौके मिलना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से देशभर में नशा मुक्त भारत कैंपेन की शुरुआत की गई। यह अभियान देश के 272 जिलों में चलाया जाएगा। हरियाणा के 10 जिले इसमें शुमार किए गए हैं, जिनमें से एक सिरसा भी है। यह अभियान मार्च 2021 तक चलेगा। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मंडल आयुक्त ने हिस्सा लिया। बच्चों ने गानों से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया।
इनेलो नेता अभय सिंह का मनरेगा में दिहाड़ी करने वाले राष्ट्रीय विश्व खिलाड़ी से मिले। चौटाला ने खिलाड़ी के हालात पर अफसोस जताते हुए कहा कि खबरों के जरिए जितना खिलाड़ी के बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा हालात खराब। अभय चौटाला ने विश्व खिलाड़ी के परिजनों को आश्वस्त करते हुए हर संभव मदद का वायदा किया। उन्होंने खिलाड़ी को 15,000 रुपए हर महीने मदद देने की घोषणा की। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की खेल नीति खत्म करने में पिछली सरकार का हाथ है। हरियाणा जवान और खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन खिलाड़ियों की जो दुर्गति हुई है इससे पहले कभी नहीं। कुरुक्षेत्र में 7वीं क्लास के एक छात्र अजय को कोरोना संकट के बीच अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के संज्ञान में मामले के आने के बाद उप मुख्यमंत्री ने ऐसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों की मदद पहचान कर स्मार्टफोन देने का आश्वासन दिया है। रेवाड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने आए राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी। कहा कि जल्द ही प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पूर्व क्रिकेटर और यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान को भर्ती किया गया। 15 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अब उनकी हालत बिगड़ी हुई है। परिजनों का यह कहना है कि किडनी में इन्फेक्शन होने से उनकी हालत खराब हो रही है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। तेज बारिश के बाद सोनीपत के राई के पास केएमपी हाईवे करीब 15 जगह से धस गया। सड़क में गहरे गड्ढे बन गए, कई बार हादसे होते होते बचे, लेकिन एनएचआई ने इसकी सुध अभी तक नहीं ली। करीब 2 साल पहले 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च करके बनाए गए केएमपी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कराया गया था। हाईवे पर आसपास के गांव के लोगों के निकलने के लिए पुलिया भी बनाई गई, लेकिन उसका लेवल सही नहीं है। भवानीखेड़ा के वार्ड 2 की गलियां तालाब बन गई है। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि कई साल से बने इस जल भराव की समस्या से बीमारियों का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। रोहतक में सीबीआई ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में छापेमारी की। भारत सरकार के जीएसटी कार्यालय में तैनात 4 कर्मचारियों पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। जीएसटी अधीक्षक को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई की टीम ने केंद्रीय जीएसटी अधीक्षक के घर से 1 करोड़ रुपए की बरामदगी की। आरोपी अधीक्षक रोहतक में ही केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में तैनात था। सूत्रों के अनुसार सोनीपत के राई में एक मेडिसिन की फैक्ट्री के मालिक से रिश्वत की मांग की गई। गुरुग्राम के सुशांत लोक में सोसाइटी में 17 साल के युवक से करीब 15 युवकों ने मारपीट की। सोसाइटी के लोगों ने घटना का वीडियो बनाया, ट्वीट कर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई। दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आने के दौरान 15 युवकों ने पीड़ित युवक को घेर लिया, उसको जमकर पीटा। पीड़ित लंदन का रहने वाला है, घटना के बाद से वो सदमे में है। पीड़ित की मां ने पुलिस को शिकायत की। सिरसा में जनता अस्पताल से नवजात बच्ची को महिला चुरा कर ले गई। आरोपी महिला नवजात की मां राजवती से बच्ची का कोरोना टेस्ट करवाने की बात कहकर ले गई थी। जब वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने स्टाफ को बताया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी देखी गई, लेकिन उससे कोई सुराग नहीं लगा। आपको बताएं कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। महिला अस्पताल में अपने परिचित के साथ आई थी। गुहाना में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला है सामने। दुष्कर्म का आरोप गांव के रहने वाले युवक पर लगा। पुलिस ने युवती के पिता के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि नाबालिग युवती के साथ हुए इस घटना के बाद युवती सदमे में है, अभी बयान देने की हालत में नहीं है। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। पलवल में कुशलीपुर पुल के पास रूट पर लगे ट्रक से बाइक जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 48 वर्षीय पंचायती सेक्रेटरी की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।